सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा पाँचवीं के व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के विकार लिंग और वचन पढ़ा और लिंग बदलने के नियम और वचन बदलने के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम संज्ञा के तीसरे विकार कारक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कारक से संज्ञा में विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कारक। कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को बताया। अधिकरण में संबोधन हे अरे यही कारक है सिखाया। बच्चों, ये चित्र को देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये कहाँ का चित्र है? आपने जंगल बुक फिल्म तो देखी होगी। बिल्कुल, यह जंगल बुक फिल्म की चित्र है। तो इससे संबंधित कुछ वाक्य हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कुछ परिवर्तन करके हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी। यहाँ पर वाक्य कुछ अलग सा लग रहा है ना बच्चों? अब इसको हम परिवर्तित करके फिर से पढ़ते हैं। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी। दूसरा देखते हैं। अक्षत ने मम्मी बताया। अब इसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ते हैं। अक्षत ने मम्मी को बताया। तो तीसरा, अक्षत फिल्म देखने कार गया। अधूरा सा लग रहा है ना बच्चों? अब इसको दोबारा परिवर्तित करके पढ़ते हैं। अक्षत फिल्म देखने कार से गया। चौथा, उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा। अधूरा सा लग रहा है ना? अब इसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ते हैं। उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। किसके लिए टिकट खरीदा? फिल्म देखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको दोबारा परिवर्तन करके पढ़ेंगे। पांचवा, वह टिकट घर हॉल में गया। इसको परिवर्तित करके पढ़ते हैं। वह टिकट घर से हॉल में गया। कहाँ से गया? टिकट घर से हॉल में गया। छठवा है, मोगली जानवरों दोस्त है। तो अधूरा है ना बच्चों? अब परिवर्तन करके पढ़ते हैं। मोगली जानवरों का दोस्त है। सातवां, मोगली शेर की पीठ बैठा है। अधूरा लग रहा है ना वाक्य? इसको दोबारा पढ़ते हैं। मोगली शेर की पीठ पर बैठा है। आठवां, मोगली गिर गया। इसको परिवर्तित करके पढ़ते हैं। अरे, मोगली गिर गया। तो बच्चों, क्या आप इन वाक्यों का मतलब ठीक से समझ पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। परंतु जब हम इसको दोबारा परिवर्तित करके पढ़ें, तभी हमको ये सभी वाक्य समझ में आ रहे थे। ये वाक्य स्पष्ट है क्योंकि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए ने, को, से, का, पर आदि का प्रयोग किया गया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें कारकीय परसर्ग भी कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं।
संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवा संबंध, सातवा अधिकरण, आठवा संबोधन। इस प्रकार हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह। बच्चों, कारक के विभक्ति चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता से अर्थ होता है जो काम करता है, अर्थात काम करने वाला। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा करण, करण का विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, जिससे अलग होने का भाव पता चलता है या जिससे अलगाव हो। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। इसका अन्य पदों से संबंध पता चलता है। अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर, जो कि क्रिया का आधार होता है। संबंध का, संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी। इससे किसी को पुकारने या बुलाने का भाव पता चलता है। अब हम सभी कारकों के प्रकार का बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति ने है। इसका उदाहरण है सानिया ने मैच जीता। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, इसमें ने परसर्ग नहीं लगा है। दूसरा कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। उदाहरण के लिए सेना ने दुश्मन को मार भगाया। तीसरा करण कारक। बच्चों, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे बुमराह बाल से खेलता है, प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात करते हैं। इस प्रकार से करण से माध्यम का पता चलता है। संप्रदान कारक। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया या काम की जाती है
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चों, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। उदाहरण के लिए, मामा जी सृजन के लिए खिलौने लाए। दूसरा, सृजन ने एक खिलौना जॉन को दिया। पांचवा, अपादान कारक। बच्चों, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी उभक्ति से है। जैसे, काशवी विद्यालय से घर जा रही है। काशवी विद्यालय से घर जा रही है अलग होने का भाव पता चलता है। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे, हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा, मोहन ने घड़े से पानी डाला। तीसरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। चूहा बिल से बाहर निकला। इन सब उदाहरणों से पता चलता है ये अलगाव की स्थिति होती है, मतलब इनसे अलग होने का भाव पता चल रहा है। छठवां, संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के है। जैसे, शुभम का घर बहुत बड़ा है। मान्य की पुस्तक नहीं है। निशा के दादाजी गांव में रहते हैं। सातवां, अधिकरण कारक। बच्चों, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया कहाँ बैठी थी? चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। आठवां, संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि है। उदाहरण के लिए, हे राम, यह क्या हुआ? अरे, तुम यहाँ कैसे? तो बच्चों, अब आप सभी संज्ञा के विकार के बारे में भली भांति जान ही गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखें व समझें और अभ्यास कार्य स्वविवेक से करने का प्रयास करें। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपने व्याकरण संबोध में पेंसिल से करेंगे। धन्यवाद।